हम न जब होंगे तो पूछेगा जहां क्या कभी नीरज भी रहता था यहां। आपको ये सवाल न पूछना पड़े इसलिए मैंने अपनी कुछ वीसीडी कुछ सीडी बनवाई है, इसलिए बनवाई कि जब मैं नहीं रहूं तो आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा जब तक ये सीडी वीसीडी आपके पास रहेगी। कविता क्या है, कैसे मुझे कविता प्राप्त हुई? ये शायद पिछले जन्म का कोई अच्छा संस्कार था जिससे कि मुझे कविता मिली। उसका एक दोहा है, आत्मा की सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा की सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या भोगना पड़ा, क्या क्या पीड़ा सहनी पड़ी, इसके संबंध में चार पंक्तियां हैं। कांपती लौ इस स्याही ये धुआं ये काजल, कांपती लौ इस स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बनाने में कटी। इस प्रकार से कविता प्राप्त हुई। कविता प्राप्त हुई, नशा सवार रहा, वो नशा लोगों ने शराब का समझा, लेकिन शराब का नशा नहीं था। चार पंक्तियां उस पर है, लेकिन नशा काय का था बताऊंगा। बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। ये जाम शराब का जाम नहीं था, ये जाम था प्रेम का। लेकिन प्रेम करके मिलता क्या है? चार पंक्तियां। खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटो न मन लेके लौटो, खुशी जिसने खोई।